यह तस्वीर है शामली के गांव भैसवाल की मूल निवासी सब इंस्पेक्टर आरजू पवार की। 30 वर्षीय आरजू ने शुक्रवार 1 जनवरी 2021 को अनुशहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस महिला सब इंस्पेक्टर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि बुलंदशहर पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर आरजू पवार मौत की वजह का पता लगाना एक चुनौती बन गया है। पुलिस अधिकारियों ने महिला इंस्पेक्टर का फोन कब्जे में ले लिया है, पर फोन लॉक होने की वजह से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इंस्पेक्टर आरजी पवार 2015 बैच की सब इंस्पेक्टर थी। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले उनकी पोस्टिंग बुलंदशहर में हुई थी। आरजी पवार पिछले 1.5 साल से अनुशहर थाने में तैनात थी और LDM इंटर कॉलेज के पास विपिन भारद्वाज के मकान में किराए पर रहती थी। रोजाना खाना भी इसी परिवार के साथ खाती थी। नववर्ष के पहले दिन शुक्रवार शाम को वह अपने कमरे पर पहुंची थी। विपिन के परिवार ने पुलिस को बताया कि काफी देर तक फोन की घंटी बजती रही, लेकिन फोन उठा नहीं। काफी देर तक फोन की घंटी बजने पर मकान मालिक ऊपर गए और दरवाजा नॉक किया। नॉक करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने नजदीक ही रहने वाले सिपाही सन्नी चौधरी को बताया। सिपाही सन्नी चौधरी ने आरजू पवार के कमरे में झांका और देखा कि आरजू चुन्नी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। इस दौरान उनके मोबाइल पर काफी मिस कॉल पड़ी हुई थी। कुछ देर में ही इंस्पेक्टर अरुणा रॉय और SP देहात मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजे को तोड़ा और महिला सब इंस्पेक्टर को फांसी के फंदे से तत्काल उतारकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है आरजू पवार बेहद व्यापारिक एवं मिलनसार थी और अगले महीने आरजू की शादी होने वाली थी। बताया जाता है कि काम के प्रति लगनशील भी थी। ऐसे में उनकी मौत की सूचना से अनुशहर कोतवाली में तैनात सभी दरोगा एवं अन्य पुलिसकर्मी भी हतप्रभ रह गए। सुसाइड नोट में ये लिखा मिला कि मेरी करनी का फल है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। चाहे कि मकान में जहां ऊपर रहती है, विपिन शर्मा का मकान है, तीसरे मंजिल पे वो कमरा था जिसमें महिला उप निरीक्षक रहती थी, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। मकान मालिक ने जब देखा कि बहुत देर से उनके फोन की घंटी बज रही थी और उठ नहीं पा रही थी, तो ये जाँचने के लिए मकान मालकिन जो है ऊपर गई। उन्होंने दरवाजे को नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने अपने घर के लोगों को बताया, परिवारी लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दी। पुलिस के लोग आए और उन्होंने ऊपर जो दरवाजे के ऊपर शीशा लगा था, कुर्सी लगा के वहाँ से देखा तो अंदर पंखे से लटकती हुई दिखी। तत्काल थाने को सूचना दी गई। SDM साहब और अपर पुलिस अधीक्षक देहात जो इसी क्षेत्र में मौजूद थे, तत्काल मौके पर पहुँचे। वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद फंदे पर लटकती हुई मिली और उन्हें तत्काल उतार के हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया। और इनके बिस्तर पर पेन और कागज़ एक मिला जिस पर इन्होंने सुसाइड नोट 2 लाइन का लिखा था और अपनी मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार दर्शाया है। फिलहाल इसमें और छानबीन अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनका फ़ोन चूँकि लॉक है, खुल नहीं पा रहा है, तो और डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं कि लास्ट में किन लोगों से बात हुई। लेकिन जैसा कि मकान मालिक ने बताया कि लगभग आधे घंटे से फ़ोन लगातार बज रहा था और उठ नहीं रहा था। साथ ही इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, वो भी शामली से रवाना हो गए हैं। शामली जनपद की मूलतः रहने वाली थी, अविवाहित थी। थाने में तैनात महिला दरोगा आरजू पवार ने क्योंकि फांसी लगाकर आत्महत्या, SSP ने किया घटनास्थल का दौरा। मृतका के मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या का राज। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।